और, और ये मेरा तीसरा सिलेक्शन है से इंटेलिजेंस ब्यूरो विद रैंक पांच सौ अट्ठारह रैंक है मेरी, तो सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत सारी बधाई है आ, कौन से सन में देव आपने तैयारी करना शुरू किया था मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी वन से तैयारी स्टार्ट की थी सर अच्छा सबसे पहले मैंने एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन स्टार्ट की उसके बाद ट्वेंटी ट्वेंटी टू से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने मैथ्स गगन प्रताप सर से पढ़ी English, Arma, सर से और जीएस के लिए मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री अभिषेक सुमन सर से ज्योग्राफी सर से मतलब कंप्लीट बैच ले रखा था को है है। तो बिलोंग करता हूं तो जीएस सेक्शन की आपका सिलेक्शन में क्या रोल रहा जीएस का और क्या स्कोर रहा आपका जीएस का एक बार स्टूडेंट को बताना चाहेंगे आउट ऑफ में, में 60 और जीएस मेरे को लगता है कि जीएस रैंक के लिए एक रोल प्ले तो तो, होता, होता है तो आपका जीएस को तैयार करने की क्या प्लानिंग रहती थी आपने हैंडराइटिंग नोट्स बनाए या फिर आपने पीडीएफ वगैरह जो हम क्लासेस में प्रोवाइड कराते हैं उसकी तैयारी की सर की जो पीडीएफ होती थी नोट्स नहीं बनाता था मेरे इतना टाइम नहीं हो पाता मैं सर की जो पीडीएफ होती नोट्स की उनको पढ़ता था उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको एनालाइज करता था कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं मैं सारी टॉपिक्स पर मेहनत नहीं करता था मेरे को लगता था कि क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे थे तो उसी टॉपिक को और थोरली प्रिपेयर करता था मतलब जो ट्रेंड चल रहा था उस टाइम पे क्वेश्चन आने का उस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करना अपनी तरफ से और उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना जो एग्जाम में हाईलाइटेड चल रहे हैं जो पूछे जा रहे हैं जी। अच्छा आप लाइव क्लास क्लास अटेंड अटेंड करते थे रिकॉर्डेड 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 सर रिकौर्ड़ेट. रिकौर्ड़ेट क्लास करने के बाद जो पीडीएफ थी उससे तैयार करना जी अच्छा आप स्टूडेंट को क्या बताना चाहेंगे जीएस को डेली पढ़ना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर प्लानिंग हो सकती है सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की क्योंकि जीएस को लेकर के स्टूडेंट के माइंड में सबसे ज्यादा बड़ा फोबिया तो ये होता है और हम भी जब क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि जैसे शुरूआत में तो उनको बहुत मजा आ रहा होता है फिर बार बार कमेंट करके पूछना होता है कि सिलेबस में और कितनी क्लासेस होंगी सर इतना कितना हम कैसे तैयार करेंगे तो इस पे आपका क्या कहना है मेरा मानना है कि आप जो भी पढ़ो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाओ जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं चाहे वो सी डी एस हो सी एच एस एल हो एम टी एस हो हर एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाओ उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में में एक्चुअल आ क्या रहा है फिर आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना एक्चुअल में सभी कुछ पढ़ने के लिए नहीं है एस एस सी की तैयारी के लिए तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पे मस्ट फोकस करो कि सर की क्लासेस लो नोट्स बनाओ उनको पढ़ो और उसके बाद प्रीवियर क्वेश्चन लगाओ उस टॉपिक अच्छा देव जब आपने तैयारी की थी तो तब हम लोग क्या करते थे सिर्फ और सिर्फ थियरी पे फोकस करते थे जो क्लासेस में पढ़ाते थे अब जो हमारा नया यूट्यूब चैनल है करियर विद एस एस सी दो हजार चौबीस उस पर जितने भी हमारे जीएस की टीम के सारे के सारे जो टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट टॉपिक वाइज वीक में एक दिन

और यूपीएससी वगैरह में जाने का को कोई प्लान सर उसको करने के बाद यूपीएससी मैं सोच रहा हूँ टाइम मिलेगा मेरे पास एज अभी मेरी कम है तो फिर मैं यूपीएससी को प्रिपेयर करूंगा अच्छा मतलब बीच में डायरेक्ट यूपीएससी या पीसीएस की तरफ नहीं जाना है बीच में भी एस एस का और जी थोड़ा सा वो भी थोड़ा मतलब मजे लेने उसके भी की है जी सर उसमें भी जॉब करनी है अच्छा अच्छा चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और जीवन में आप आगे बढ़ो लगातार मेहनत करते रहो और ये बहुत कितनी एक मोटिवेशन की बात है कि ऑलरेडी 22 साल की एज में दो सिलेक्शन थे

और मैं ये भी चाहूंगा कि आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन जो हमारा जो अगला इंटरव्यू हो वह आप पीसीएस या यूपीएससी की पोस्ट पर हो जिससे कि आप और लोगों को मोटिवेट कर पाए और अपने आप को भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म और पहुंचा पाए जी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार भगवान आपको खुश रखे थैंक यू सो मच थैंक यू सर